फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। छोटा बच्चा समझकर हमसे ना भिड़ जाना रे, ये गाना आपने सुना ही होगा। काफी पुराना गाना है, पहले ये गाना छोटे बच्चे भी गाते नजर आते थे, लेकिन सोनीपत के मार्टिन मलिक ने ये साबित कर दिया है कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी में जब पहली बार लॉकडाउन लगा, जिस दौरान किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या करे, उसी वक्त तीसरी कक्षा का विद्यार्थी और महज 8 साल के मार्टिन मलिक ने अपने पिता की मदद से किक बॉक्सिंग के किंग बन गए। महज 8 साल की उम्र में ही मार्टिन मलिक ने रशिया के पावेल का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना ही नहीं, मार्टिन मलिक ने भारत के 2, एशिया के 2 और बॉक्सिंग में विश्व स्तर के कुल 8 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। वहीं मार्टिन मलिक की प्रतिभा से खुश होकर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने भी मार्टिन मलिक को डिनर पर बुलाया था और उसके साथ पंच की प्रैक्टिस भी की थी। वहीं नीरज चोपड़ा ने मार्टिन को कहा था कि वो इसी तरह से खेलता रहे, वो उनके साथ है। मार्टिन मलिक ने इसका पूरा श्रेय अपने पिता को दिया। मार्टिन मलिक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। मार्टिन, ये बॉक्सिंग कब शुरू किया आपने? मैंने 2020 में जो लॉकडाउन लगा था तब से मैंने शुरू की थी बॉक्सिंग। क्या सोचा था बेटा? ये सोचा था कि अभी करता रहूँ बॉक्सिंग और आगे जाके ओलंपिक भी जीतूँगा। फिर किसने कोशिश करवाई, कहाँ से ये सीख ली आपने कि मैंने बॉक्सर बनना है? मेरे पापा मेरी फिटनेस ट्रेनिंग कराते हैं। नीरज चोपड़ा से मिले थे आप? हाँ, मिला था। उन्होंने मेरे को डिनर पे बुलाया था। क्या बोले फिर? उन्होंने बोला ऐसे ही करता रहे मार्टिन बेटा, प्रैक्टिस आगे जाके तू ओलंपिक जीतेगा। बात होती रहती है नीरज से? हाँ होती रहती है, पर्सनल नंबर दे रखा है। वही मार्टिन मलिक के पिता का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने देखा कि उनका बच्चा किक बॉक्सिंग बहुत अच्छी करता है, तो उन्होंने उसकी किक बॉक्सिंग शुरू करवा दी। मार्टिन के माता पिता ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बेटे ने जी अभी 2 इंडिया रिकॉर्ड, 2 एशिया रिकॉर्ड और 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं पंचिंग में और पुशअप्स में। 2 तरह के पुशअप्स हैं, 2 तरह के पंच हैं जी। कब से ये बेटे को करवाने लगे थे? ये जी स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा था तभी से कराने लग रहे हैं, 2.5-3 साल के करीब हो गए हैं। और लॉकडाउन के अंतराल ही इसकी फिटनेस कराने लग गया था, तो बेटे के अंदर देखा भाई टैलेंट है तो इसको अच्छे से फिटनेस ट्रेनिंग कराने लगे। उम्र ये बेटे की कौन सी? 8 साल हो गए सर। कहाँ कहाँ अभी तक खेला है? ये वर्ल्ड लेवल पे खेला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसने, सारे सीनियर के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ये रशिया के पावेल है किक बॉक्सर, 27 साल के, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। चाहूंगा कि बाहर वाले अपने इंडिया टैलेंट को बुला रहे हैं तो हमारे इंडिया वाले अभी तक कहीं से कोई कॉल नहीं आई भाई इसको अवार्ड देंगे या कुछ सम्मानित करेंगे। मेरी सरकार से यही है कि हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इतने टैलेंटेड बच्चे को, या हमारा हो या दूसरों का हो, कोई भी हो, सबको बढ़ावा दे और प्रोत्साहन के रूप में कुछ भी दें। बहुत अच्छी खुशी है, अभी इतनी कम उम्र में हमारे बेटे ने हमारा इतना नाम कर दिया है, हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं। आगे भी बेटे की तैयारी ऐसी रहेगी? हाँ, आगे भी बेटे की तैयारी ऐसी ही रहेगी। हम अपने बेटे को बॉक्सर बनाना चाहते हैं और यही है भाई वो देश का नाम रोशन करे। किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद मार्टिन को लंदन की पार्लियामेंट मार्च महीने में सम्मानित करेगी। वहीं परिजनों ने हरियाणा सरकार से मदद की भी गुहार लगाई है ताकि आने वाले समय में बहुत अच्छा खेल खेलकर मार्टिन देश का नाम ओलंपिक में रोशन कर सके। मार्टिन के जज्बे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा तक के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।